जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक। एक सकरतुल मौत के बारे में बात हो गई, बहुत ज्यादा सिले रहम, बहुत ज्यादा वालदैन के साथ नेकी इंशाल्लाह, ये दो आमाल है। कब्र में जाकर कौन से आमाल हम लेके जाएं कि राहत रहे, इसके लिए हदीस सुन लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहां भी इंसान की जो भी कब्र है ना, वो रोजाना 5 मरतबा सदा देती है, इंसान को पुकारती है कब्र, कब्र पुकारती है साहिब कब्र को। यानी इसका मतलब यह कि अल्लाह ताला ने जमीन के इल्म में बात रखी है कि कौन कहां दफन होने वाला है, तो वो हमें पुकार रही होती है वो कब्र। पहली जो कब्र की सदा है वो ये है कि मैं फकर का घर हूं, अपने लिए कोई खजाना साथ में लेकर आना। तो इमाम से पूछा गया कि मौला वो खजाना क्या है, सबसे पहले फरमाया कब्र का खजाना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये लेकर आना। एक मिलकर सलावत भेजिएगा, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर फरमाया मैं जुल्मत का घर हूं, नूर अपने साथ लेकर आना। इमाम से पूछा गया कि मौला कब्र का नूर क्या है, का नमाज की पाबंदी, नूर अपने साथ लेकर आना, बिलखसूस नमाज फजर। नमाज फजर अगर कोई अव्वल वक्त में पढ़ने का आदी हो तो उसका फायदा पता है क्या है, इमाम की हदीस के मुताबिक वो जो फजर का वक्त होता है ना अव्वल वक्त, वो रात के वक्त में भी है गोया और दिन के वक्त में भी है, क्योंकि अभी रात पूरी खत्म नहीं हुई और दिन अभी शुरू नहीं हुआ। का जो अव्वल वक्त में नमाज फजर पढ़ता है तो रात के फरिश्ते भी फजर लिखते हैं और दिन के फरिश्ते भी फजर लिखते हैं, क्योंकि रात के फरिश्ते जा रहे होते हैं, दिन के फरिश्ते आ रहे होते हैं, तो वो दोनों एक ही अमल लिखते हैं, यानी एक फजर दो लिखी जाती है नमाज अमल में। मैं जुल्मत का घर हूं, नूर लेकर आना। तीसरा, कब्र सदा देती है कि मैं वहशत का घर हूं, कोई अनीस लेकर आना साथ में। इमाम से पूछेगा कि कब्र का अनीस कौन है, फरमाया तिलावत कुरान। फिर कब्र सदा देती है कि मैं खाक हूं, कोई अपने साथ बिस्तर लेकर आना। इमाम से पूछा गया कि फिर कब्र का बिस्तर क्या है, फरमाया अमल सालेह। पांचवी सदा ये होती है कि मैं डसने वालों का घर हूँ, यानी यहाँ पर बहुत से ऐसे ऐवान और दरिंदे रहते हैं कि जो डसते हैं, तो अपने साथ तिरियाक लेकर आना, यानी एंटी वेनम लेकर आना, वो क्या है, इमाम ने कहा सदका। ये कब्र की 5 सदाएं, फिर से सुन लीजिएगा जल्दी जल्दी एक एक लफ्ज में। कब्र कहती है कि मैं जुल्मत का घर हूँ, नूर लेकर आना, नूर कुरान है। उससे पहले कब्र कहती है कि मैं फकर का घर हूँ, खजाना लेकर आना, खजाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। कब्र कहती है कि मैं जुल्मत का घर हूँ तो नूर लेकर आना, वो है दरहकीकत नमाज। अनीस लेकर आना वो है सदका, बिस्तर लेकर आना वो है अमल सालेह, और तरियाक लेकर आना जहर के मुकाबले में कुछ, वो है सदका। अली अली हक है, अली हक है, अली अली अली।